टू एवरी वन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग निकल गए होटल से पूजा करने, मंदिर में, तारा माँ के मंदिर में पूजा करने जाने के लिए। और धूप बहुत कड़ी थी इसलिए बहुत आँख में ना वो बहुत उजाला जैसा हो रहा था। और यहाँ शिवानी, हम, अभिषेक, बोबो, हम लोग सब ई रिक्शा पे बैठ के, क्योंकि गाड़ी की वहाँ पे थोड़ी पार्किंग की दिक्कत थी तो हम लोगों ने ई रिक्शा ही ज़्यादा कन्वीनियंट समझा। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं शिवानी, बता। मेरा मजाक क्यों? ड्रेस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रेस चेंज कर कंफ्यूजन में फिर शिवानी 4-5 टी शर्ट चेंज करके गई थी तो हम लोग उसी पे हंस रहे थे कि शिवानी कपड़े का कितना टेंशन लेती है। तो वही हम लोग हंस रहे थे और हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कितना कौन टेंशन लेता है। तो और हम लोग ई रिक्शा पे बैठ के फटाफट पहुंचेंगे और हम टोटो पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। यस, टोटो पकड़ के हम लोग जा रहे हैं मंदिर। 10-5 मिनट लगेगा। अभी हमें थोड़ा थोड़ा लेट है शिवानी के फ्रेंड की शादी से। उम्र सो गया अभिषेक आ गया। ये और हम लोग पहुंच गए मंदिर के पास और हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं प्रसाद। तो प्रसाद में हम लोग ले रहे थे श्रृंगार का सामान, अरुण फूल का माला, चुनरी और जो दुर्गा काली माँ को जो चढ़ता है वो सारी चीज़ें ले रहे थे। और हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए पूजा के लिए और हमें परेशान हम लोग थोड़े ये हो गए थे कि अगर हम लोग थोड़ा और लेट हो जाते तो मंदिर बंद हो जाता और ये और अनाउंसमेंट हो चुका था कि मास्क कंपल्शन है। हाँ, और तब तक अनाउंसमेंट हो गया कि मास्क कंपल्शन है और हम लोग मास्क लेके नहीं। लग रहा है मंदिर आ करके मंदिर आके कैसा लग रहा है? बोलने के पैसे लगते हैं। आजा बोबो बोबो, अब 12 बज गए हैं और 1 घंटे में मंदिर बंद होने वाला है। हम सब बहुत अच्छे से रेडी हो गए लग रहा है और मास्क हमारा छूट गया है तो एक दिन गए हैं हमारा मास्क लाने के लिए। मास्क तो लाना, थोड़ी भीड़ है, थोड़ी से तो भीड़ है। ये लाइन खुलेगा फिर और यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई और यहाँ पे पंडित जो थे हमें टीका वगैरह लगा रहे थे। और ये मंदिर में देखो सब लोग मास्क लगा के बैठे हुए क्योंकि मास्क कंपलसरी कर दिया था वहाँ पे। और कैसा था ना कि उसके बाद से हम लोगों टीका कराया पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दे करके। जब भी आना है खाली टाइम कौन है? कब खाली टाइम कब रहता है? शनि, रवि, मंगलवार, ऐसे टाइम पे नहीं आना है। आएंगे खाली टाइम पे? शनि, रवि, मंगल नहीं आना, नहीं। जब भी आना दोपहर को। अभी कितना देर तक पट बंद होगा? अभी 12 बजे मंदिर बंद कर दिया, फिर 1:30 बजे खुलेगा। 1:30 बजे से फिर चालू रहेगा? 1:30 बजे से फिर चालू होगा, फिर वो कंटिन्यू चालू रहेगा ना। तो यहाँ बैठा क्यों गया है? अच्छा, वो दिखा सकते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ भोग का खाना है तो अभी गया है भोग लगने के लिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो हमारी बहुत ही, मतलब कैसे बोलते हैं ना, कि बहुत मन था कि अगर हमें भोग मिल जाए। और पता चला पंडित जी ने बताया कि भोग यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे सब लोग भोग खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गया है काली जी को भोग लगने के लिए। और यहाँ पे सब साधु वगैरह बैठे हुए हैं भोग के लिए, खाने के लिए। तो हम लोगों ने भी थोड़ा वेट किया और भोग खाया, बहुत अच्छा लगा। और निकलने के बाद मैंने यहाँ पे जो
घर के लिए सिंदूर बिंदी जो जाते हैं ना प्रसाद वगैरह जो मैं था सारी चीज़ें वही ले रही थी, काली माँ का मूर्ति लिया, सिंदूर लिया, आलता लिया, तो ये सारी चीज़ें इधर बहुत अच्छी मिलती हैं जो हमारे सिटी में इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल पाता है। और ये मैं शिवानी को बैग दिखा रही थी और यहाँ पे हम लोग रिटर्न हो रहे थे और हम लोग बहुत हंस रहे थे, कुछ तो भी हम लोग जो क्रैक कर रहे थे और बोबो यहाँ पे आगे बैठ गया था कहाँ अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग रेडी हैं, यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं बेटा? स्विमिंग पूल में। इधर देखो, देखो स्विमिंग पूल में बहुत खुश है बोबो स्विमिंग पूल में जाने के लिए। और सामने पूरा रोड सन्नाटा हो गया, दोपहर का टाइम हो गया तो हम लोग का था पहले पूजा करेंगे उसके बाद ही हम लोग पहले पूजा कर स्विमिंग पूल में जाएंगे। तो पूजा वूजा कर लिया, खाना वाना सब कुछ हो गया हमारा, अब हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, एक डेढ़ घंटे मस्ती करेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे से मिस हो गया, बबू का बॉल लाना मेरे से मिस हो गया। सो देखते हैं कैसे करते हैं, अभी तो दुकान भी नहीं खुला है कि हम बॉल भी खरीद सकें, उसको ऐसे ही खिला देंगे। चलते हैं फिर स्विमिंग पूल में, चलो। बाप रे तुम ऐसे क्यों बेटा, थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है ना फिर। और हमारे सो ये तो फेस वॉश भी नहीं किया है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए स्विमिंग पूल में। और हम यहाँ पे हम लोगों ने ना वॉइस रिकॉर्ड किया था लेकिन वहाँ पे सॉन्ग बज रहे थे तो उसको हमने बंद नहीं कराया क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सारा ना साइलेंट ही कर दिया। और हम लोग बहुत मस्ती किए और सबसे ज़्यादा बोबो मस्ती किया वहाँ पे पहुँच के। और ये बच्चों वाला पूल था जहाँ पे अभिषेक घुसा था बोबो को लेकर के फर्स्ट टाइम, कि बोबो डरे ना। और यहाँ पे देखो बोबो कितना मस्ती कर रहा है, सच में बोबो को ये बहुत, उसको एक पार्टनर भी मिल गई थी वहाँ पे एक बच्ची, तो वो उसके साथ भी बहुत इन्जॉय किया और हम लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हम लोग स्विमिंग सीख रहे थे और यहाँ पे शिवानी हम बहुत 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 पानी ठंडा लग रहा था क्योंकि थोड़ी ठंडियों का भी टाइम स्टार्ट हो गया है और थोड़ा पानी भी ठंडा होने लगा था, शाम होने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी, मतलब धूप था लेकिन थोड़ी सी हाँ शाम होने लगी है। और यहाँ पे बोबो देखो कैसे ट्राई कर रहा है, एक बच्ची भी थी तो दोनों ने एक दूसरे की कंपनी बहुत बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा करता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम वेकेशन पे जाते हैं। क्या ऑर्डर कर रहे हो? चिल्ली चिकन कर दे रहे हैं क्या? चिल्ली चिकन और एक मसाला बहुत सही जगह मैं तो खा पाएगा। मसाला कोला तो हम लोगों ने पूल में लिया लेकिन हम बहुत ठंडी स्टार्ट हमें लगने लगी थी तो हम लोगों ने क्या किया था, जो स्टार्टर हमने मंगाया था ना वो हमने रूम में ही बोला कि लेकर के आना। और मसाला कोला हमने पूल में काफ़ी इंजॉय किया, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था ना कुछ तो भी कुछ पीने का मन कर रहा था क्योंकि हम लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के गला हमारा सूख गया था। और बोबो ये देखो बड़े वाले बड़ों के पूल में आने की कोशिश कर रहा था और बोबो को हम लोग बोल रहे थे थोड़ा सा नहीं बेटा मेरे ऊपर आ जाओ कंधे पर आ जाओ, लेकिन नहीं उसको खुद आना था, उसको ट्राई करना था। और यहाँ पे देखो सब सच में बताएं हम लोग वहाँ जा करके हम लोगों ने एक दूसरे का तो अब हमारा यहाँ से हो गया और मेरा मैं डूब गई थी इसलिए मेरा आवाज़ बैठ गया, मेरा आवाज़ बैठ गया ऑलमोस्ट हम डूब गए थे और किसी को पता ही नहीं चला कि हम डूब रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता चला, तुम हंस रहा था, हंस रहे थे, तुम रात हम मुंह देख के पता चले थे तुम डूब रही है कि घूम रही है पा रहे थे, हमको लगा अभी हमको कुछ बचाने आएगा और सब हंस रहे थे मेरे पे, किसी को लगा ही नहीं कि हम डूब रहे हैं। बोबो इधर आ, बोबो बोबो कैसा लगा बोबो? अच्छा लगा, हाँ सब हो गया ना, शाम हो गई, हाँ चल करने चलते। यहाँ पे इसका ये रेस्टोरेंट है और ये पूरा इधर गार्डन है, देखो ना अच्छा है। हाँ हाँ ये सीखा है, चलो चलो टू एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और स्विमिंग वगैरह करने के बाद
हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ से हम जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग आ गए इस्कॉन टेम्पल घूमने के लिए और शाम हो गई है, ठंड अब लग रही है, कल तो नहीं लग रही थी। का सब बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है और इस्कॉन है, तो हम गाड़ी थी हमारे पास, तो हम लोग बोले चलो देख के आते हैं। और ये देखो पूरी बिल्डिंग कैसा लग रहा है, सुंदर है ना इस्कॉन। ठंड है ना थोड़ी थोड़ी, कल से थोड़ा ठंड ज़्यादा है क्या? नहीं नहाए हो ज़्यादा। अच्छा नहाए ज़्यादा, हाँ सही बात है, बहुत नहाए, बहुत नहाए, पूरा गला वाला बैठ भी गया है। बहुत सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए फिर आप लोग को अंदर से दिखाते हैं कि क्या है, थोड़ा चाय भी पियेंगे उसके बाद, यहाँ से निकलने के बाद। अमेजिंग, बहुत अच्छा था। अब कहाँ जगन्नाथ से? अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ से, कहाँ जगन्नाथ पुरी मंदिर, मतलब यहाँ पे उसका हूबहू बना है। और ये क्या है? हाँ हाँ ये भी मंदिर है। अच्छा पहले आगे से आएंगे फिर पीछे, मतलब मज़ा आ गया ना। हाँ बहुत अच्छा पिक्चर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। अब थोड़ा वॉक कर करके, गाड़ी होने से ये फायदा बहुत होता है ना कि आप अपनी गाड़ी से कहीं भी जा सकते हैं। बोबो बोल ही रहा था कि हम लोग साइट विजिट करने नहीं जाएंगे क्या? तब तक तो पता चल गया। क्या ले रहे हो? ये ले लो, ये ले लो। इसमें देखो कौन सा, इसमें देखो कौन सा अच्छा बज रहा है। और हम सारा मंदिर घूमने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया एक बहुत अच्छी सी मटके वाली चाय पीते हैं, तो हम लोग वही चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने पैक करवाया फ्रूट चाट, तो यहाँ पे किलो के हिसाब से फ्रूट चाट पैक कर रहे थे, तो वो भी हम लोगों ने रूम के लिए पैक कराया। बस एक डुबकी मार के आ जाए, बस देखते हैं। सो हम लोग आ गए रूम पे, और रूम पे फैंसीस हम लोग डुबकी मारे थे। बच्चों का साइड में था, भाइयों को बहुत था, बहुत बड़ा गया था। और वो मम्मा डूब गई और हम भी डूब गए। हाँ बोबो भी बहुत 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 सी अप्पा होने होते होते आज बच गया। मेरे एक्चुअली मेरे मैं बताती हूँ, अभी हम लोग घूम के आ गए और वो जिस टाइम की बात कर रहा है स्विमिंग पूल की बात कर रहा है, 7 फीट गहरा स्विमिंग पूल था और मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, ज्यादा गहरा नहीं था। हाँ बच्चों को 2 फीट का रहता है। हाँ सो मैं कैसे जोश जोश में आके मैं बीच में चली गई, मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आग में लेके आए थे। सो अभी हम लोग घूम के आ गए और बाहर हमने ऑर्डर किया है, क्योंकि यहाँ जोमेटो से जोमेटो से नहीं। अच्छा सो हम लोगों ने ऑर्डर जोमेटो से रुको ना, जोमेटो से मटन और राइस ऑर्डर नहीं, अभी हमने मटन अभिषेक खरीद के एक शॉप में दिया है बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेटेंट है, सब बनवाते हैं। सो हम लोगों ने बोला चलो ट्राई करते हैं, तो वो बना के हांडी में देंगे। सो मटन भी हमने दिया, फिर राइस और रोटी हम लोग बाहर से लाने वाले। कल हमने रात में फिश खाया था जो हमने शेयर नहीं किया था। सो अभी हम लोग डिनर लेने के लिए पैक करवाएंगे ना, तो फोन करेगा तो हम जाएंगे लेने के लिए। और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और हमने बाहर से अभी स्नैक्स लेके आए हैं, चिकन लॉलीपॉप एंड चिकन चिल्ली। सो वो खाने वाले फ्रूट सैलेड वगैरह हम
सब कुछ लेकर के आए, तो स्टार्टर वगैरह हम लोग भी खाएंगे और उसके बाद से हम लोग डिनर हाफ एन आवर के बाद जाके लेके आएंगे। हमारा नेक्स्ट डे और अब तक हम लोग अभिषेक को ऑफिस पे ड्रॉप कर चुके हैं। उसके बाद हम बोबो और शिवानी हम लोग जा रहे थे घर की ओर, तो बोबो ने ये सारे शूट किया है। देखो ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, ट्राइपॉड में मोबाइल लगा लिया था और शूट किया था। और हम लोग सॉन्ग बजाते हुए घर की ओर जा रहे थे, सच बता रहे बहुत थक गए थे। और यहाँ देखो बोबो कितना खुश है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।